संभावना खाली पूछा जा रही है कि यहाँ क्या दिखेगा, डियर दिखेगा, डॉग दिखेगा, सब कुछ यही दिख जाएगा। शेर भी यही मंगवा लें, शेर को बोलते हैं यही आ जाओ, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे दे देंगे। जी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से एयरपोर्ट से और गाड़ी हमारी आ गई है, हम लोग फटाफट यहाँ से निकलेंगे। कोई वेस्टेज, सॉरी नो वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम की कमी है, टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है पहुँचने के लिए और मैं गाड़ी में जाके सो जाऊँगी। तो जी हम लोग निकल गए यहाँ एयरपोर्ट से और हमें जाना है कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ से है 250 किलोमीटर, टाइम लगेगा कम से कम 6 घंटे। बीच में उतर के हम लोग कहीं ना कहीं नाश्ता करेंगे और हमें पिकअप करने आ गए प्रमोद जी, हमेशा की तरह हर सफारी में योगदान होता है, पूरा योगदान होता है, हमारा योगदान रहेगा इनको कुछ खिलाने के लिए। तो अभी हम लोग जैसे फूड कोर्ट आएगा तो हम लोग रुकेंगे और कुछ खाएंगे, शायद बीच में संभावना भी गाड़ी ड्राइव करे, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि ये मैनुअल है, पता नहीं कर पाएगी या नहीं। क्या समझ रहे हो, क्या समझ के रहे हो, कौन हूँ मैं? अरे तुम्हें उसकी आदत हो गई ना ऑटोमेटिक की। इससे क्या होता है, कोई एक बात के बाद तो पता लग ही जाता है कि गियर चेंज करना है। अब चेंज आपकी तरह नहीं सर, आपकी तरह। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और मैं इसी की फिराक में था कि भाई 6 घंटे की ड्राइव है तो मौसम अच्छा हो और ताकि अपना टाइम अच्छे से कट जाए। तुम बस ये और फिराक लगा लो, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बारिश ना हो। बारिश हो जाए तो क्या हुआ, जंगल का मजा भी तो अलग ही आता है ना, जानवर ही तो नहीं दिखेंगे, कुछ और नहीं मिलेगा ना। हाँ छुप जाएंगे बंदर भी। और प्रमोद जी पिकअप करने आ गए, इससे आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि वो ड्राइवर है। प्रमोद जी बहुत सारे रिसॉर्ट्स के मालिक हैं और बस हमारे प्रति उनका प्यार है जो हमेशा हमें लेने के लिए और घुमाने के लिए आते हैं। वो खींचे चले आते हैं। अभी वैसे उनकी गाड़ी मैं भी चलाने वाली हूँ। जी हम लोग इस जगह पे पहुंच गए हैं, फूड कोर्ट है, थोड़ा छोटा ही है लेकिन साफ सुथरा लग रहा है काफी, और एटलीस्ट यहाँ पर जन संसाधन सुविधा मिल जाएगी। जी हमने यहाँ पे मंगवा लिया है वड़ा, सांभर, डोसा, सांभर और एक और इडली, आई थिंक इडली, इडली वड़ा। जितना खा रही हो खा लो, बाकी गले में लपेट लेना, जंगल में काम आएगा ठंड से बचने के लिए। काफी बड़ा यार, मैं भी एक मसाला डोसा मंगा लूँ क्या? नहीं मना कर दिया था, लेकिन मंगा लूँगा। जी जिस इंसान ने बोला था कि कुछ भी नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भूख नहीं है, उसने अपना तो डोसा खाया ही खाया, दो आदमियों को और खाया। अब गाड़ी चलाओगी, आज तो डामाडोल ही लग रहा है तुम्हारा मुझे, पकड़ो इसको हाथ और पेट दोनों। हाँ ड्राइवर साहब पहले एसी चला दीजिए। आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे कोई चीज पसंद है तो वो है फॉरेस्ट लाइफ। आई लव फॉरेस्ट और यही मेरा ये रहेगा कि मैं लाइफ में जितना जा सकूं मैं सफारीज कर सकूं, फॉरेस्ट के बीच में रह सकूं, नेचर के बीच में रह सकूं। कैसी चलाई मैंने गाड़ी? गाड़ी बहुत अच्छी चलाई तुमने। हाँ अच्छी स्पीड पे चलाई है। हाँ काफी डिस्टेंस कवर कर दिया तुमने। हाँ अब सिंगल रोड आ गई है जंगल वाली, तो अब वो प्रमोद जी चला रहे हैं गाड़ी। ये रास्ता इतना खूबसूरत है ना, एक तो गीली सड़कें, दोनों तरफ जंगल, यही बीच में से अभी रोड पे से शेर रोड पार करता हुआ दिख जाएगा। जैकेट क्या, तो रोड है क्या नजारा है। सही बता रही, मैं रोड ट्रिप्स बिल्कुल इंजॉय नहीं करती हूँ, लेकिन इतना अच्छा वेदर है ना और इतनी अच्छी रोड है कि पता नहीं चल रहा। बहुत ही जल्दी मजदूर की तरह काम भी किया, खाना भी खाया, सो भी गए, बिल्कुल मजदूर वाला तुमने आज किया। तुरंत खा के नींद चाहिए होती ना 20 मिनट की, अभी फिर से घर से प्याज रोटी आ रहा है डब्बे में। अरे बैठे बैठे सो रही हो, हैं बैठे बैठे सो रही हो, और नींद भी आ रही है। अच्छा नींद हो गई शायद सो गई थी। शायद नहीं, फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने शायद कराटे भी लिए। काफी गहराई में सो के वापस आई हैं आप, पेट तो खाली हो गया होगा, कुछ खाना होगा निकल रहा है, लग रहा है मालपुआ अंदर से। और जगह रुक गए हैं टपरी पे चाय देख के, और समोसे भी बन रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं। चाय, दो चाय नॉर्मल चाहिए, एक चाय थोड़ा सा अलग से बना सकते हैं बिना शक्कर, मैं बना दूंगी, एक एक चाय मिल जाए मेरे को। तो दो तो बनी हुई है ना, दो तो बनी हुई है।
गई मेरी चाय और मैं आपको पी के बताती कैसी बनी है। बेबी ये पियो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक्कर थोड़ी ज्यादा हो गई है, मेरी वाली लोग वो आ रही है। तो जी हमें यहाँ पे एक और चीज मिल गई है और वो पढ़ते ही एकदम दिल पसीज गया है हमारा, लास्ट वाला। ये देखो इसमें क्या लिखा है, पक्की परी। हाय मेरी चुंचा, दिल घबरा रहा है, दिल में घबराहट हो रही है, घर पे फोन करो। ये भी यही सब सिग्नल्स होते हैं पता है। अब इतने रास्ते में पापा की परी कहाँ से मिलना था, आज तक पापा की परी नहीं देखी मैंने। ये नाम ही पहली बार मेरे मुंह से निकला, पापा की परी बन गई है। और देखो देखो ये देखो चिप्स हैं पापा की परी के, वो याद कर रही है हमें। गया है लंगूर, है लंगूर तो बड़ा था पता है, देख के लग रहा था आदमी जा रहा है। क्या? वो देख के लंगूर देख के लग रहा था आदमी जा रहा है। ये देखो कितनी छोटी बच्चिया है, देखो वो वाली ना छोटी बच्ची है। तो जी अभी 6 घंटे की ड्राइव करते करते 2:15 बज रहे हैं, 2:15 बजे अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं, 500 मीटर दूर है। और इतना कमाल का रास्ता था, अरे लो बोलते ही पहुंच गए, बोलते ही पहुंच गए। ये जी पहुंच गए हम, बड़ा शानदार रास्ता दिख रहा है अंदर एकदम जंगल का। मेरा तो ये अंदर का माहौल देख के ना पूरा दिन बन गया, वाह जंगल और जंगल की शांति। जी हमने तो सोचा था कि हम पहुंच गए अपने होटल, लेकिन अभी ये मेन गेट था, यहाँ से हमें बताया यहाँ से आप सीधा जाइए और आगे जाइए, लेफ्ट लेके एक पुल आएगा, पुल से नीचे उतरिए, फिर राइट लीजिए, फिर राइट लेके और आगे जाइए, फिर एक हनुमान जी का मंदिर आएगा, फिर वहाँ से लेफ्ट लीजिए। तो अभी 1.5 किलोमीटर अंदर और जाना है जंगल के। अगर आप देखोगे तो हमें ऑलरेडी लग रहा है कि हम सफारी कर रहे हैं, देखो जरा सामने का नजारा। मतलब इस चीज से पहले मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि अरे अभी और जाना है, रियलाइज हुई तो अच्छी बात है, मतलब जंगल के बीचों बीच रहने वाले, मजा आएगा। अभी यही से लग रहा है कि हम सफारी कर रहे हैं जंगल के अंदर ही, हम नहीं प्रमोद एकदम जंगल के अंदर है। तो यहाँ भी आ सकता है टाइगर, हाँ आने को तो देखो कहीं से भी निकल के आ सकता है। कहीं से क्या, डिक्की में से थोड़ी आ जाएगा, डिक्की में से मतलब टाइगर के जोन तो है ही ना। देखो इधर कैंप के लिए एरो दिया हुआ है, इतने सारे लोग हाथ क्यों मिला रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ भाई, क्यों इशारा कर रहे हैं, कह रहे आओ तुम लुट गए हो। क्यों हो रहा है ये हमारे लिए, हो रहा है ऐसे ही हो रहा है क्योंकि रुक नहीं रहे अभी तक, ये पूछ तो लो, रुक गए रुक गए, वेलकम हो रहा है। नहीं यही उतरना था, यही जाना था क्या हमें, संभावना खाली पूछा जा रही है कि यहाँ क्या दिखेगा, डियर दिखेगा, डॉग दिखेगा, सब कुछ यही दिख जाएगा, शेर भी यही मंगवा लें, शेर को बोलते हैं यही आ जाओ, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे दे देंगे। तो जी हम लोग अभी फटाफट फ्रेश होके निकल गए हैं लंच करने के लिए, और आप लोगों को हमने रूम नहीं दिखाया क्योंकि हम आने के बाद आपको रूम दिखाना चाहते हैं, और जो रूम मिला है, जो व्यू है, ओ हम तो पागल हो जाते हैं, मतलब अभी तक का बेस्ट है, जितने भी हम लोगों ने सफारी की है अभी तक का बेस्ट रूम है ये जो हम स्टे कर रहे हैं। जंगल के बीच तोता मैना चिड़िया कोयल सब बोल रही है, तो मजा ही अलग है। तुम पीठ क्यों दिखा रही हो जब से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, अच्छा पीठ दिखा के ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और हमने एक बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया कि हमने शाम की सफारी बुक नहीं की, क्योंकि हमें डर था कि 6 घंटे की ड्राइव है नागपुर एयरपोर्ट से, तो हम लेट पहुंचेंगे और शायद हम इतने थक जाएं कि हमारी हिम्मत ना हो सफारी करने की, जो कि सच है। Perfect. अभी खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे और आपको रूम दिखाएंगे और फिर वहाँ पियेंगे एक प्यारी सी चाय शाम को, है बेबी। तो जी हम लोग अंदर गए थे अभी लंच करने के लिए, लेकिन वापस बाहर आ गए क्योंकि संभावना ने बोला है। मैंने जो चीज देखी है, इतनी प्यारी लाइब्रेरी है, देखो अभी के अंदर नहीं, वाह ये तो प्रॉपर वर्किंग स्पेस है यार, ये ऐसा होना चाहिए है ना। हाँ अपने घर में एक रूम ऐसा होना चाहिए, घर में भी ऐसा होना चाहिए, एक वर्किंग स्पेस, बहुत बढ़िया वाइब है यार। ये देखो ना पूरा बार बार भी बार सेटअप है। तो मेरे को ये पता करना है कि इनका रेस्टोरेंट यही है या और भी कुछ है। और ये देख लो हम यहाँ भी अभी बिल्कुल जंगल के बीच में, पूरा जंगल है बाहर। इतना प्यारा माहौल है ना, डिम लाइट्स, सूप बहुत टेस्टी है, ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज का। अरे ये आलू और धनिया का सूप है जो तुम पी रहे हो। तुमने अचार भी लिया था सूप में डालने के लिए पता है। हाँ। तुमने सूप में अचार डाला है, मुझे जैसे ही पता चला रूम टैरिफ में सब इंक्लूडेड है तो फिर तुम्हें पता है हम कहाँ से आते हैं। कैसा खाना, भिंडी की सब्जी, मटर पनीर, दाल, अमेजिंग, वेरी गुड, गरम गरम फुल्का। मेरे को रूम दिखाना है ना, अरे कहाँ भाग रही है, रूम में जा रही है ना कॉफी का सामान लेके। अच्छा
तो जी अब आप लोग को दिखा देते हैं अपना रूम। मेरी बेबी दिखाई, ये हुई एंट्री। तो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल रूम। आ जाओ, दिस इज आवर रूम। यहाँ से शुरू करते हैं। ये दूरबीन से पता नहीं किसको देख रही है, ये हमारा कॉफी एरिया। ऑल राइट, आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि ये है हमारा बेड। अरे दीदी, गिरते गिरते डर गई ना, लास्ट में चेंज कर दिया। बिल्कुल जंगल के बीच में हम लोग। उसके बाद ये एक लाउंज चेयर है, ये शावर एरिया है। आप पता नहीं जकूजी के बाद यहीं पे शावर लेना है आपको। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। खुले में शावर है ना। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो ये तो काफी बड़ा बाथरूम हो गया एक तरीके से। हाँ बहुत बड़ा है। बाप रे बाप। ये पाउडर एरिया है। पाउडर एरिया, यहाँ कौन पाउडर लगाता है? और कहाँ पाउडर लगाता है? आपको बता दूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको शीशे में दिख रहा है, इधर भी वो है सिंक और इधर भी। हाँ दोनों साइड, मतलब दोनों यहाँ पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी। हाँ तुम इधर से ये देखो, ये मेरे लिए है मिरर और वॉश बेसिन, और ये बेबी के लिए है। तो सुबह लड़ाई नहीं होगी, पहले मैं ब्रश करूंगा। और यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल आई थिंक रूम तो इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कुछ अमेजिंग है जो देखने लायक चीज है वो है बाहर का व्यू। और बाहर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है, हम अपने बेबी के साथ रिवील करेंगे। ये रहा, ये जब मैंने देखा अंदर आके ना, मेरी बांछें खिल गई एकदम देख के, है ना? इतना खूबसूरत, मतलब यहाँ से यहां पूरी बंजार रिवर है। और ये बताते हैं कि यहाँ पे आपको हो सकता है बहुत बार एनिमल्स देखने के लिए मिल जाए, लाइक स्पॉटेड डियर मिल जाएगा, या फिर आपको बारहसिंगा मिल सकता है, या आपको गौर मिल सकती है, इंडियन गौर। अभी क्योंकि बारिशों की वजह से यहाँ थोड़ा पानी आ गया है, तो वरना टाइगर भी कई बार क्रॉस करते हैं, टाइगर भी क्रॉस करते हैं। और यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि यहाँ नीचे भी एक छोटी सी बालकनी है, तो हम लोग यहाँ एक्चुअली बैठ सकते हैं बेबी। ये देखो, ये पैर लटका के बैठ गए। और ये जो व्यू है ना भाई, इस व्यू का मैं क्या ही कहूँ। मतलब यहाँ यार सुबह कैसी होगी बेबी, सोचो जरा। और एक चीज उन्होंने बहुत ही गौर करने वाली बोली है कि भाई साहब रात होते ही जो है ना, ये शटर एकदम बंद कर लेंगे, नहीं तो इतने कीड़े आएंगे कि किसी का बाप नहीं रोक पाएगा उनको। हाँ, ये हमारा कॉफी एरिया, यहाँ पे बैठ के हम कॉफी पी सकते, सब कुछ है इस रूम में। आई थिंक बहुत सारे होटल्स में मैं रुकी हूँ, लेकिन ये आई थिंक ताज की वन ऑफ द बेस्ट। नहीं, और थीम के साथ जाती है ना, जंगल थीम के साथ, इसलिए ज्यादा अच्छी है। इस बार हमने कहा कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी होटल्स वगैरह बुक करते हैं तो हमको लगता है कि चलो वो फोटो में ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, और जब जाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं निकलता तो दिल खराब होता। तो इस बार हमने पहले से ही सेफ्टी साइड के लिए जो दिखा वही चीज, मतलब जो फोटो में दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी सामने है, तो हमें वो देखने के लिए मिलता। और आपको बता दूं, ये एक्चुअली रूम नहीं है, ये टेंट है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया। और कमाल का टेंट है, आंधी तूफान बरसात किसी चीज में नहीं निकलने वाला टेंट, ये देख लो।